दोस्तों, लूनकरन सर को लेकर एक ताजा अपडेट है। लूनकरन सर में अभी तक जो स्थिति आई है, चौथे राउंड की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सुमित गोदारा पहली बार आगे निकले हैं, 10,158 वोट सुमित गोदारा को है। राजेंद्र मूंड कड़ी टक्कर दे रहे हैं, 9,620 वोट राजेंद्र मूंड के हैं। प्रभुदयाल सारस्वत फिलहाल बिल्कुल छोटे से मार्जिन से तीसरे नंबर पर बने हुए हैं, 9,574, और वीरेंद्र बेनीवाल इन्होंने 5,623 वोट लिए हैं। कुल मिलाकर ये चौथे राउंड की कहानी है लूनकरन सर की। इस वक्त मैं खाजूवाला की जो मतगणना हो रही है वहां जा रहा हूं और खाजूवाला से भी आपको अपडेट देता हूं। हालांकि खाजूवाला में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सेफली सुरक्षित रूप से आगे हैं। अभी देखते हैं कि अगले राउंड का क्या हालात है वहां पर। जो चौथा राउंड था उसमें नोखा की भी गणित सामने आई है, 6700 वोट से बिहारी लाल बिश्नोई आगे रहे हैं और अंशुमान सिंह भाटी वो भी लगभग इतने ही वोटों से कौलायत में आगे चल रहे हैं। बीकानेर पूर्व और पश्चिम का भी मैं आपको हाल बताऊंगा। वहां सिद्धि कुमारी आगे है तो जेठानंद व्यास भी वहां बढ़त बनाए हुए हैं और माकपा के गिरधारी मैया ये फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं श्री डूंगरगढ़ में। कुल मिलाकर इतने नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं और अब हम खाजूवाला के एक बार जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो जुटा लेते हैं। कुछ देर पहले गोविंदराम मेघवाल जी भी यहीं थे, उनसे मुलाकात हुई थी। मेरे साथी कुलदीप चारण आज तक के पत्रकार। बीजेपी के लिए बड़ा अपडेट और बड़ी खुशी की लहर इस वक्त चल रही है। कम से कम बीकानेर जिले से कांग्रेस एक भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। ये कांग्रेस राजेंद्र मूंड थे थोड़े से, लेकिन 400 वोटों से सुमित गोदारा आगे चल रहे आज की तारीख। बिल्कुल, सुमित गोदारा जो है वो चौथे राउंड के बाद में आगे हुए हैं। अब देखना है कि कौन से इलाके की मतगणना खुल रही है, चल रही है। बीकानेर की हर खबर देखने के लिए सबसे पहले इस पेज को फॉलो करो, लाइक करो, सबसे पहले अपडेट मिलेगा। बिल्कुल, 15 से 20 मिनट पहले दावा है हमारा। शुक्रिया।